हाय गाइस, माय नेम इज नीलम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम ब्लॉग्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लीनिंग टूल्स की वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिफरेंट क्लीनिंग टूल्स, क्योंकि दिवाली आने वाली है एंड हम सब अपना अपना घर क्लीन करने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास ऐसे क्लीनिंग टूल्स हो जो हमारे काम को बहुत आसान कर दे। इसके साथ साथ मैंने ध्यान रखा है कि मैं बहुत ही बजटेड एंड मल्टीपर्पज क्लीनिंग टूल्स आपके साथ शेयर करूंगी। गाइस, मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के बारे में पता चला है, जिसमें आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको बहुत सारा कैशबैक मिल सकता है। जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इन माइक्रोफाइबर क्लोथ के बारे में। ये माइक्रोफाइबर क्लोथ मैंने ऑर्डर करे हैं अमेज़न से एंड ये बहुत ही अच्छे माइक्रोफाइबर क्लोथ है। दो, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, बट क्योंकि मैंने रिसेंटली इन क्लोथ से बहुत सारी क्लीनिंग करी है तो आई कैन शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने की है इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ को यूज करके क्लीनिंग। ये बैल्कनी का डोर है जो मैं बहुत ही अच्छे से क्लीन कर रही हूँ एंड आप देख सकते हो ये कितना अच्छा साफ हुआ। बाथरूम का ग्लास डोर भी इसी से क्लीन कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं घर के सारे ग्लास इसी से क्लीन करती हूँ। ऑल्सो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ मेरी टीवी को भी बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है एंड आप देख सकते हो मेरी टीवी क्लीन हो चुकी है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी इस माइक्रोफाइबर ग्लव के बारे में। ये अभी तक आपके पास होगा और अगर नहीं है तो डेफिनेटली इसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि इससे आपकी जो डेली की डस्टिंग है वो बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। आपको इसको सिर्फ अपने हाथों में पहनना है एंड जहां जहां आप टच करोगे वो जगह इजिली क्लीन हो जाएगी। मैं अपनी डेली डस्टिंग इसी ग्लव से करती हूँ। इनफैक्ट घर की ज्यादातर चीजें इस ग्लव्स की हेल्प से साफ हो जाती है। मोरओवर, जब भी आपको फैन क्लीन करना हो तो आप फैन की पूरी डस्ट इसमें एक्युमुलेट कर ले एंड देन उसको क्लीन कपड़े से वाइप कर दे। आप देखोगे कि डस्ट इधर उधर कहीं भी नहीं गिरेगी। मैं मोस्टली अपनी ऑनलाइन शॉपिंग अमेज़न से करती हूँ। आज की वीडियो में जितने भी क्लीनिंग टूल्स आप देखने वाले हो ये भी मैंने अमेज़न से मंगाए हैं। अभी आने वाली है अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे साल की सबसे बड़ी सेल। मैसिव डिस्काउंट्स के ऊपर अगर आप कैशबैक भी पाना चाहते हो तो आपको यूज करना होगा cashkaro.com। बस डिस्क्रिप्शन में दी गई फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके अपना कैश करो अकाउंट बनाओ, अमेज़न सर्च करो, अब बस एक्टिवेट रिवॉर्ड्स बटन पर टैप करो और अब आप अमेज़न से कुछ भी खरीदो आपको अपने हर ट्रांजैक्शन पर मिलेगा रिवॉर्ड्स। गाइज, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना हर ट्रांजैक्शन कैश करो के थ्रू करें ताकि आपको मैसिव कैशबैक मिले। ये रिवॉर्ड्स आप अमेज़न गिफ्ट कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपका कैश करो कैशबैक या रिवॉर्ड 250 से ऊपर होगा तब आप उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर अमेज़न गिफ्ट कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश करो पे आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे 1500 से भी ज्यादा वेबसाइट मिल जाएगी। मेरे लिंक से आपको अपने फर्स्ट ट्रांजेक्शन पर 25 रूपए का साइन अप बोनस भी मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस क्लीनिंग टूल के बारे में। ये है डस्टर। जनरली मैं इसको यूज करती हूँ घर के सारे जाले निकालने के, खिड़कियों की मैश क्लीन करती हूँ तो डस्ट बिल्कुल भी उड़ती नहीं है बल्कि इसमें आ जाती है एंड उसमें जो सरिया लगा होता है वो भी मैं इसी की हेल्प से बहुत इजीली क्लीन कर लेती हूँ। मोर ओवर विंडो का ग्लास, इनफैक्ट इसको बाहर की तरफ डालकर आप विंडो का ग्लास बाहर से भी क्लीन कर सकते हो, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क लगता है। मैं इस डस्टर की हेल्प से अपनी हैंगिंग लाइट्स को भी क्लीन करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही इजीली अंदर जाकर अंदर से भी डस्ट को निकाल देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस वुडन ब्रश के बारे में। पहले मैंने इसी तरीके की प्लास्टिक की ब्रश ली थी, बट प्लास्टिक की ब्रश का जो हैंडल होता है वो अलग से रबड़ का लगा हुआ होता है, तो आप 2 से 4 बार जब यूज करते हो वो हैंडल आपके हाथ में आ जाता है एंड देन आपको बिना हैंडल के उस ब्रश को यूज करना पड़ता है। मैं बहुत सालों से इसी ब्रश को यूज कर रही हूँ फैब्रिक सोफा को क्लीन करने के लिए एंड आप अपने घर के जो भी कारपेट, रग्स वगैरह होते हैं वो भी इस ब्रश से इजिली क्लीन कर सकते हो। बालकनी की जो मैश है वो भी इसी ब्रश से क्लीन करती हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस छोटे से क्लीनिंग टूल के बारे में। दिखने में तो ये आपको काफी छोटी सी ब्रश लग रही है बट ये आपकी क्लीनिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आपके घर में स्लाइडिंग डोर कवर्ड है तो आपने देखा होगा नीचे जो रेलिंग पे कचरा जमा हो जाता है एंड उसको क्लीन करना पड़ता है सो दैट हमारी कवर्ड इजिली फंक्शन कर सके एंड उसमें काफी डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, उसकी क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छी ब्रश है। मोरओवर विंडोज एंड बालकनी के जो डोर्स होते हैं उसके नीचे भी बहुत डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट जो चीज मैं रिकमेंड करूंगी वो है ये छोटी छोटी ब्रशेस। तो आप चाहे तो टूथब्रश वगैरह भी यूज कर सकते हो। ये 3 ब्रश का सेट था
जिसमें से एक है प्लास्टिक ब्रिसल्स वाली एंड ये है आयरन ब्रिसल्स। मैं इस ब्रश की हेल्प से बाथरूम के सिंक्स को क्लीन करती हूँ सो दैट जितना भी कचरा फंस जाता है वो इजिली इस ब्रश से क्लीन हो जाता है। एंड ऑल्सो आपने किचन सिंक के पीछे देखा होगा एक स्पेस होती है जहां पर काले काले से धब्बे पड़ने लग जाते हैं अगर आप उसको अच्छे से क्लीन ना करो तो। ये ब्रश कॉर्नर से डर्ट निकाल देती है एंड आपका काम बहुत आसान कर देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस फ्लैट हेड डस्टर के बारे में। ये काफी बड़ा है एंड ये कार क्लीनिंग डस्टर के नाम से बेचा जाता है। इससे आप अपने घर के बड़े बड़े फ्रेम्स, बड़ी बड़ी हैंगिंग्स, जो भी वॉल हैंगिंग्स होती है उनको इजिली क्लीन कर सकते हो। मैं इसको यूज करती हूँ अपनी पेंटिंग्स को क्लीन करने के लिए एंड जो मेरा मिरर वॉल डिकोर है उसको भी मैं इसी से क्लीन करती हूँ। मोर ओवर जो वॉल क्लॉक्स होती है जो काफी ऊपर टंगी होती है हमारा हाथ नहीं जाता तो उसके लिए भी इसकी जो लेंथ है वो काफी अच्छी है। आप चाहे तो इससे छोटी साइज का ऑर्डर कर सकते हो वो थोड़ा और हैंडी होगा यूज करने में। इसके भी ब्रिसल्स माइक्रो फाइबर के हैं तो ये बहुत ही अच्छे से डस्ट को अपने अंदर स्टोर कर लेता है एंड डस्ट इधर उधर नहीं फैलाता। नेक्स्ट है ये क्लीनिंग टूल जिसको डिश क्लीनर भी बोलते हैं बट मैं इस ब्रश से अपना सिंक क्लीन करती हूँ एंड ट्रस्ट मी गाइस इससे इतना अच्छे से सिंक क्लीन होता है यानी इतना इजीली क्लीन होता है। इसके जो ऊपर वाले सेक्शन में है उसमें मैंने फिल किया है डिश वॉश लिक्विड। इससे बहुत ही अच्छी तरीके से सिंक क्लीन हो जाता है क्योंकि इसके ब्रिसल्स बहुत स्ट्रांग है एंड यू कैन सी कितना साफ हो गया है ये सिंक। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं बात करने वाली हूँ इन ग्लव्स के बारे में। जब हम स्ट्रॉन्ग केमिकल्स यूज करते हैं तो आपने देखा होगा उसके बाद आपके हाथ बहुत ही ड्राई, फ्लेकी एंड अजीब से हो जाते हैं। वो केमिकल्स हमारे हाथों को बहुत डैमेज करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप बाथरूम की क्लीनिंग करें तो इस तरीके के ग्लव्स को पहन कर करें। मैं हमेशा इनको पहन कर ही डीप क्लीनिंग करती हूँ। ये सारे क्लीनिंग टूल्स मैंने एक साथ ऑर्डर करे थे अमेजोन से एंड इनकी टोटल कॉस्ट सिर्फ 1000 रुपीज आई थी एंड यू वोंट बिलीव कि इन क्लीनिंग टूल्स की हेल्प से कितना आसान हो गया है घर को क्लीन करना। इनफैक्ट जब आपके पास अच्छे क्लीनिंग टूल्स होते हैं तो आपका मन करता है कि आप क्लीनिंग करें एंड अपने घर को बिल्कुल चमका के रखे। एंड ऑल्सो बिल्कुल मत भूलना कैश करो के थ्रू शॉपिंग करना क्योंकि उस तरीके से आप और पैसे सेव कर रहे हो अपनी शॉपिंग से। इससे अच्छा और क्या होगा कि जो भी हम शॉपिंग डिस्काउंटेड प्राइस पे कर रहे हैं ऑलरेडी उस प्राइस में भी हमको थोड़ा और एक्स्ट्रा कैश मिल सके। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।